हम लोग हमारे घर के पास के एक खेत वाली साइड पे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम है, बहुत ही शानदार वाली धूप जो है खिली हुई है, ठंड का मौसम आ चुका है। आई होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ शुरू कर लेते हैं वापस से एक नया व्लॉग। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल। मैं हूं ईशान और पीछे खड़ी अपनी कार, और स्वागत है आप लोगों का ग्रीगेरियस ईशान में एक बार फिर। मेरे साथ कशिश और इशिका भी आए हुए हैं, मगर इशिका स्कूल से आने के बाद लंच करके सो चुकी है, उसको थोड़ा जुकाम हो रहा है, तो शी इज टेकिंग रेस्ट, मम्मी इज टेकिंग केयर। और मैं ये शूट करता हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कशिश मेरी मदद करेगी। तो जो पिछले दो व्लॉग्स आप लोगों ने देखे हैं, आई होप आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझ में आया कि कन्वर्टिंग ए कार इंटू ए कैंपर वैन किस तरीके से की जाती है, और हम लोगों ने रूफटॉप टेंट को बहुत ही डिटेल में समझा कि कैसे वो काम करता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने आंसर किए आप लोगों के। आज हम लोग वापस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग शायद पीछे मेरा बैकग्राउंड जो आप लोग देख रहे हैं और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में है, वो है टॉयलेट मैनेजमेंट इन कैंपिंग। टॉयलेट टेंट आप लोगों ने देखा था, पर टॉयलेट कैसे करना है, हम लोग जब पॉटी जाते हैं या सुसु जाते हैं तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है, कैंपिंग में बहुत चैलेंजिंग लगता है लोगों को, उसे आज मैं विस्तार से बताऊंगा, और कितना सरल और इजी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने तीन प्रकार की टॉयलेट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं एक छोटी सी नन्ही सी टॉयलेट के बारे में, जो इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। एक ये है कमोड स्टाइल की टॉयलेट, के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और एक ये छोटी सी टॉयलेट है जो फोल्डेबल चेयर के रूप में आती है। पीछे कुछ सेटअप आप लोगों को दिख रहा है, इसे मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या सामग्री रखी हुई है, टॉयलेट टेंट कैसे सेटअप किया जाता है, और उसके अंदर कैसे हम लोग हमारा कार्यक्रम मैनेज करते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों के टॉयलेट के बारे में। जो लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है, बहुत ही छोटी सी, एक कॉम्पैक्ट सी है, और साफ़ करने में बहुत ही आसान है। बच्चा इसमें अपनी सुसु पॉटी आराम से परफॉर्म कर सकता है, और आप इसको इजीली धो सकते हैं, किसी सीवर के अंदर आप आराम से उसका वेस्ट जो है उसको खाली कर सकते हैं। सो हम इस टॉयलेट के बारे में बात कर लेते हैं। वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन की गई है, आप इसे आसानी से अपनी कार के अंदर और कैंपर वैन के अंदर कैरी कर सकते हैं। जब मैंने इसे परचेज किया था तो मुझे कुछ चीज़ें इसके साथ मिली थी, आपको बता देता हूँ। एक ये कमोड स्टाइल की टॉयलेट है, पूरा ये बॉक्स है, उसके साथ हमें ये केमिकल का बॉक्स मिला है। ये केमिकल का जो बॉक्स है, दिस इज़ इन ए फॉर्म ऑफ पाउडर, आप देख सकते हैं उस पर लिखा है नेचुरल बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली। तो बेसिकली ये जो पाउडर है वो क्या करता है, आपका जो वेस्ट है उसको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है और ऑर्डरलेस बनाता है। तो हम इसकी एप्रोप्रिएट क्वांटिटी वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और ये ग्रे टैंक के अंदर जाता है। टॉयलेट इसके साथ जैसे ही कंबाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो ऑर्डरलेस हो जाती है। इसके साथ एक ये जेट स्प्रे मिला था, आपको पता ही है ये कि इसका क्या फंक्शन है, कितना महत्वपूर्ण है ये और किस तरीके से ऑपरेट करता है, वो आप लोग बखूबी समझते हैं मुझसे। इसमें दो बॉक्स आप लोग देख सकते हैं, एक ये ऊपर वाला बॉक्स है और एक ये नीचे वाला बॉक्स है। सो दो बॉक्सेस बेसिकली क्यों बनाए गए हैं, आप ध्यान से देखिए तो जो ऊपर वाला बॉक्स है, ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है, दिस इज मेंट फॉर फ्रेश वाटर, इसमें लगभग 20 लीटर पानी स्टोर हो जाता है, सो इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और नीचे वाला जो ग्रे टैंक है वो लगभग 22 से 24 लीटर की कैपेसिटी रखता है, आपका ग्रे वेस्ट जो है, आपका जो पूरा वेस्ट मटेरियल है वो इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ये टॉयलेट शीट बिल्कुल घर जैसी, वेस्टर्न शीट जैसी ही है। हम इसकी ये फर्स्ट लिड को ओपन करेंगे, ये फर्स्ट लिड ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगी, बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट इसके अंदर दिख रहा है। और ये सेकेंड लिड है जिसके अंदर आप लोग बैठते हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो पर्टिकुलर होल है वो अभी बंद दिख रहा है आपको, वाइट कलर की शीट है उसमें, इसका मतलब जो नीचे वाला टैंक है और ऊपर वाला टैंक है वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, मगर वो उस शीट से ब्लॉक्ड हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक लिड दिया गया है, ये यहाँ से ओपन करके आप लोग यहाँ से फ्रेश वाटर भर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें फ्रेश वाटर भरा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो भी सोर्स है आप वहाँ से फ्रेश वाटर भर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर दिया गया है ये इसका पंप है, ये कैसे ऑपरेट करता है वो भी अपन समझते हैं। यहाँ से आप इसका फ्लश कर सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक छोटा सा लीवर बना हुआ है, उसके ऊपर पुल लिखा हुआ है,
इस लीवर को जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेस करके पुल करेंगे और ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने के बाद आप ऊपर से देखेंगे कि हमारा जो होल है वो ओपन हो चुका है। इसका मतलब दिस इज रेडी टू टेक योर ओल गार्बेज, आपका सारा वेस्ट लेने के लिए ये रेडी है। और आप जैसे ही अपना टॉयलेट परफॉर्म करेंगे वो विद इन नो सेकेंड्स इस होल से स्लाइड होते हुए नीचे वाले ग्रे टैंक की ओर चला जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका फंक्शन है पाउडर का, वो उसको ब्रेक कर देता है स्मॉल पार्टिकल्स में और ओडरलेस बना देता है, वो सारी प्रक्रिया वो करते ही रहेगा। अब अपन ने समझ लिया कि हमने टॉयलेट परफॉर्म कर लिया, अब हम फ्लश कैसे करेंगे। अगर हम इस लीवर को उठाते हैं और इस तरीके से हम इसको करते हैं तो आप देखिए ये फ्लश होना शुरू हो गया है। देखिए कितने अच्छे से फ्लश हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब घर जैसी तो नहीं है, पर आपका 90% का ये काम कर देती है और थोड़ा बहुत तो आपको कैंपिंग में मैनेज और एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि हमने हमारा काम कर लिया, सुबह की प्रक्रिया आप लोगों ने कर ली, आप हल्के हो लिए एक तरीके से। तो अब देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट किस हिसाब से करना चाहिए। ये दो कंपार्टमेंट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पीछे एक पुश बटन दिया गया है, इस पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है वो सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये सेपरेट हो जाता है और ये आपका फ्रेश वाटर टैंक है जिसको आप लोग साइड में रख सकते हैं। इस तरीके से आप साइड में रख सकते हैं। इसको इस तरीके से ओपन किया जाता है, इस तरीके से इसका जो पाइप है साइड में कर लें और एक लिड है उसको ओपन कर लीजिए। और एक निर्धारित स्थान से मेरा मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर सीवेज लाइन मिलती है तो आप डायरेक्टली इसको उसके अंदर खाली कर सकते हैं, या फिर पिट को खोदा जाता है उसके अंदर इस वेस्ट मटेरियल को आप डाल दीजिए और उसके बाद उसको सॉइल से कवर कर दीजिए। फिलहाल इसके अंदर थोड़ा सा पानी है जो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिया था, वो मैं खाली कर देता हूँ। इसको बंद कर लेते हैं और बहुत ही आसान है इसका मैनेजमेंट। और वापस से इसको हम ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये सूटकेस नुमा जो टॉयलेट शीट आपने देखी बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। एक कवर इसका हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप भी इसका एक कवर बना लीजिए। कवर बना लेने से ये होता है कि ये हाइजीनिकली आपके दूसरे सामान से सेपरेट हो जाती है और आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है कि हमारी पॉटी शीट का एक कवर है और हम सेपरेटली उसको रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कैसा प्रोडक्ट है, या आप अपने मन से अमेजोन या किसी भी साइट से इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरी पॉटी शीट के बारे में बात कर रहा था मैं, ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। आप लोगों ने देखा होगा सर्जिकल्स की शॉप पे ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, ये बहुत ही आसान है ऑपरेट करना। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा यह है कि आप इसे बाइक पे भी कैरी कर सकते हैं। इसका लिड इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और हम यूजुअली क्या करते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन बैग आता है जो आसानी से डीकम्पोज हो जाता है, हम उसको इसके अंदर लगा लेते हैं और उसके बाद अपना आप टॉयलेट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो अगेन आप पिट को खोद सकते हैं और पिट को खोदने के बाद आप डायरेक्टली उसके अंदर टॉयलेट अपना परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और इसमें से आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। बात कर लेते हैं सेटिंग अप ए टॉयलेट टेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा सेटअप मैंने बनाया हुआ है और इस छोटे से सेटअप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रखा है एक फोल्डेबल टॉयलेट टेंट, इसे मैं अभी एक्सपैंड करके दिखाऊंगा। साथ में टॉयलेट टेंट को लगाने के लिए कुछ चीजें उपयोग में आती हैं, जैसे कि एक एक्स है, एक्स कम हैमर है ये, और यहाँ पे एक डिस्पोजेबल गार्बेज बैग है, और यहाँ पे कुछ पैक्स हैं, उसकी स्ट्रिंग है, और ये एक छोटा सा हमारे पास है शॉवल। एक हमारे पास है ये एक्सपेंडेबल बाल्टी, एक मैट, और हाथ धोने के लिए कंटेनर, और छोटा सा स्टूल, और एक हैंड वॉश। तो आइए इसको सेटअप करके देखते हैं किस तरीके से ये दिखता है। तो ये है एक टॉयलेट टेंट, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अगेन आप इसको कैरी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप बाइक पे हैं, अगर आप लोग ट्रैकिंग करते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। आपका पर्सनल प्राइवेट टॉयलेट टेंट, इसको इस तरीके से आप पहन सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही लाइट वेट है, मेरे ख्याल से 1.25 किलो के आसपास का इसका वेट होगा। अमेज़ॉन पे बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, 1500 से 2000 की रेंज के अंदर आता है। आइए इसको खोलते हैं। ये इसका कवर है और थोड़ा सा दूरी बना के रखें क्योंकि ये इस तरीके से एकदम से एक्सपेंड होता है। तो ये टॉयलेट टेंट है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ा सा समय ले सकता है पर इसको इस तरीके से खोलिए। तो जादू का पिटारा ऐसा हुआ, इसे थोड़ा साइड में रख लेते हैं।
मेक श्योर कि आप लोग जहाँ पे टॉयलेट टेंट को स्थापित कर रहे हैं आपके पास एक फ्लैट सरफेस हो, अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए, फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक मैट है, इसे हम लोग इस तरीके से पहले बिछा लेते हैं। आपका जो ये टॉयलेट टेंट है इसे आप इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। ये एक कोलेप्सिबल बाल्टी है जो कि बहुत ही उपयोगी है, बहुत कम स्पेस लेती है। आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और इसमें पानी भर सकते हैं। ये करीब 10-15 लीटर की कैपेसिटी वाली है और मैं मग लाना भूल गया हूँ, तो ये नहाने के लिए उपयोगी हो सकती है। अगर आप लोगों के पास सुविधा है, स्पेस है, तो बड़ी बाल्टी कैरी करिए। हम लोग मुख्यतः इस बाल्टी को कैरी करते हैं जो कि इस तरीके से कोलैप्स हो जाती है। तो इसको हम बाथरूम में रख के दिखाएंगे अभी आप लोगों को। आइए इन पैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये पैग्स ध्यान से देखिए, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इस टेंट को इस तरीके से लगा देने से आपका काम नहीं चलने वाला। अगर आपने पैग्स को नहीं लगाया, ये स्ट्रिंग्स जो मैंने बांधी है इनको यहाँ पे इस तरीके से लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रक्रिया अंदर कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस अंदर कर रहे हैं और भगवान ने करे कभी बहुत तेज हवा चल गई तो आपका टेंट उड़ जाएगा और आप बहुत बुरी तरह पब्लिकली एक्सपोज हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको इन पैग्स को लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन पैग्स को लगाइए, उससे आपका टेंट स्थिर हो जाता है और अपनी जगह से हिलता नहीं है। मैं इसको इस तरीके से लगा लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इसको आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एडजस्टमेंट इसमें बनाया है, इस तरीके से ये टाइट हो गई है यहाँ पे। और ऐसे ही एक पैग अपन पीछे लगा लेते हैं। और इस तरीके से आप अपना दूसरा जो स्ट्रिंग है उसको भी लगा लीजिए और थोड़ा टाइट कर लीजिए। आप देख सकते हैं इन स्ट्रिंग्स के माध्यम से हमारा जो टेंट है वो काफ़ी स्टेबल हो चुका है। इस तरीके से हम यहाँ से चेन्स को ओपन कर लेंगे। जो हमारा ये मुख्य द्वार है हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो आइए ले चलते हैं आपको हमारे गुसल खाने में। और अंदर जाते ही ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है इसका ऊपर वाला एरिया, ये है इसकी रूफ, इस तरीके से दिखती है। और ये इसकी कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए पॉकेट दी गई है। और ये एक वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी डक्ट है, ये आपका रोशनदान का काम करेगा। तो इसे ज़रूर ओपन कर लीजिए, फ्रेश एयर आपको मिलेगी। आपका जो ऑर्डर अंदर प्रोड्यूस होगा या आप नहाने के टाइम पे जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऊपर भी एक स्काई रूफ दी गई है, इसे भी आप इस तरीके से खोल सकते हैं। अगर आपको पूरा वेंटिलेशन चाहिए तो आपको इसको इस तरीके से ओपन कर लेना चाहिए। इस तरीके से ओपन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड हो जाता है ये और फ्रेश रहता है वातावरण, आपको फ्रेश एयर मिलती रहती है और सफोकेटिंग नहीं होता। ऑडर बाहर चली जाती है और स्टीम जो प्रोड्यूस होती है वो भी बाहर चली जाती है। तो इसके अंदर मैं टॉयलेट्स आपको रख के दिखाता हूँ। अगर आप इस कमोड को आप रखें तो देखिए कितनी आसानी से आप रख सकते हैं इसको। आप आराम से इसको इस तरीके से रख सकते हैं और बस लिड ओपन करिए, अपना पर्दा गिराइए और बेइंतहा तरीके से आप जो परफॉर्मेंस देते हैं वो देते रहिए। तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग है इसके ऊपर। तो चलिए ये तो हो गया टॉयलेट किस तरीके से मैनेज होता है। जब आप लोगों को नहाना है तो आप इस टॉयलेट को, इस शीट को आप लोग बाहर निकाल सकते हैं और आसानी से आपका जो मग है और आपकी जो बकेट है उसको ले जाइए। आप एक स्टूल यहाँ पे रख सकते हैं निर्धारित स्थान पे। ये सब रखने के बाद भी यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं आराम से। अगर मैं अंदर आके आप लोगों को बताऊँ तो इस तरीके से आप लोग देखिए कितना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, आराम से आप बैठ के नहा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई फोल्डेबल पटा है या स्टूल है तो वो भी ला सकते हैं। कोशिश करिए कि आप मैट ऐसी लेके आएँ जिसमें छोटे छोटे छेद हों। अगर सरल भाषा में बात करें तो आप चटाई लेके आ सकते हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि पानी जितना है वो मिट्टी के अंदर चले जाएगा और आपकी जो मैट है वो सूखी हुई रहेगी। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से हमने वॉशरूम का जो मैनेजमेंट है बहुत ही सरलता से देख लिया और समझ लिया कि कैंपिंग के दौरान भी इन सारी चीज़ों को आराम से किया जा सकता है। हम शॉवर ले सकते हैं और अपना टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ
कि ये वाला व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप लोग मेरी इंस्टेंट स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो चलिए क्लोज करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, इजाज़त लेते हैं आप लोगों से, मुलाकात करते हैं फिर बहुत ही जल्द नए टूर्स के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर एंड बाय बाय।